दोस्तों हाय हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए वीडियो पे। करीबन 2 महीनों के बाद से दोस्तों मैं वीडियो जो है अपलोड करना स्टार्ट किया हूँ। आगे आने वाली पेंटिंग दोस्तों मेरी जबरदस्त पेंटिंग आएंगी, बट अभी फिलहाल जो मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था उसी को दोस्तों आज मैं करूंगा, क्योंकि कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, उसकी पेंटिंग की वीडियो कल आएगी। मेरी लास्ट वीडियो जो आई थी वो पूरी टूर की थी, उससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, तो उसी पेंटिंग को दोस्तों आज मैं करूंगा कंप्लीट। मैं उसमें टाइम नहीं दे पाया, अभी भी दोस्तों मेरा गला जो है काफी खराब है, कहने का मतलब आवाज जो है आपको दूसरा लग रहा होगा। अब दोस्तों लगातार वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगी, जो भी मेरे चैनल पर शुरू से आप देखते आए हैं बस वही चीज आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी दोस्तों मैं पेंटिंग रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं, और मेरा एक और आर्ट का चैनल है तुलसी आर्ट गैलरी, जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आपको पूरी वीडियो वहां पे भी देखने को मिलेगी। और यहां पर दोस्तों आपको जो वीडियो है वो व्लॉग के साथ मिलेगी, और वहां आपको सिर्फ पेंटिंग की वीडियो मिलेगी। तो चलिए फिलहाल चलते हैं उस रूम पे जहां पे मैंने दोस्तों स्केच किया है, और मैं डायरेक्ट आप लोग को वहीं पे दिखाता हूं। और किस कलर से मैं बनाने वाला हूं वो मैंने पहले ही बता दिया था, फिर भी मैं बता दूं दोस्तों वो एपेक्स वाटर कलर से मैं बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों पहले उस रूम पे चलते हैं। तो ये है दोस्तों वो स्केच जो कि मैंने 2 महीने पहले इसे स्केच किया था, और आज तक मैंने इसे कलर भी नहीं किया है दोस्तों, और मैंने स्टार्ट भी किया था बट दोस्तों मेरा तबीयत जो है वो खराब हो गया बीच में। तो चलिए आज मैं इसे पूरा कंप्लीट करता हूँ, कलर वगैरह कैसा मैं करता हूँ वो आप आगे देखिए। मैं जो कलर बनाऊंगा वो इस स्पीडी टिंट से बनाऊंगा, मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये कलर दोस्तों आप लोगों को हार्डवेयर के दुकान पे या फिर पेंट के दुकान पे मिल जाएगा, जिसे दोस्तों चूने पे मिलाया जाता है, इसी को मिलाकर दोस्तों मैं अभी कलर बना के दिखाऊंगा। वैसे दोस्तों ये मेन जरूरी है, तो ये एपेक्स है दोस्तों वाइट कलर का। वैसे दोस्तों पूरा हर कलर का एपेक्स कलर ले आता तो काफ़ी महंगा पड़ता, तो हम लोग दोस्तों इसे यूज ऐसा करते हैं कि इसको मिला के हर कलर बना लेते हैं, तो ये हमें काफ़ी सस्ता पड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ दिख रहा होगा दोस्तों, 494 का है ये। इसमें दोस्तों कुछ परसेंट डिस्काउंट हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसको दोस्तों मैं कलर कैसे बनाऊँगा, ये वाइट है पूरा, तो आप देख रहे होंगे पूरा वाइट है, इसमें मैंने कुछ यूज़ किया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डिस्पोजल ग्लास लूँगा, तो मैं आपको इस पर कलर डालूँगा। तो ये वाइट कलर मैंने इसमें डाल दिया है, मैं थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा दोस्तों, तो वो जितना बड़ा फेस है उसके लिए ये काफ़ी होगा। तो आप देख रहे होंगे स्किन का कलर बनाना है दोस्तों, तो मैं इस पर येल्लो कुछ डालूंगा, पहले मैं थोड़ा सा इसे सेक कर लूँगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने येल्लो कलर थोड़ा सा डाल दिया, और दोस्तों इस पर मैं थोड़ा सा रेड कलर भी ऐड कर दूँगा। तो ये देख रहे होंगे इसे भी थोड़ा सा सेक कर लेना होगा, क्योंकि नया नहीं दोस्तों ये जमा हुआ होता है। तो बस ये इसमें मैंने रेड थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब दोस्तों मैं इसे मिला दूंगा, एक ब्रश है मेरे पास, इसे मैं मिला लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, जो कि फेस का कलर आ गया है। बस इसी में दोस्तों कुछ अगर मुझे लाइट करना होगा तो मैं वाइट को ऐड कर दूंगा, ये लाइट हो जाएगा। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं इसे बनाऊंगा। तो अब हम बनाएंगे गोल्डन ब्राउन कलर, उसके लिए दोस्तों मुझे इसी को थोड़ा सा ले लेना होगा, हल्का सा इसी को डाल देंगे हम, ताकि ये पेंट जो है मजबूत हो जाए, कहने का मतलब ये रगड़ने से ना छूटे। अगर मैं सिर्फ इसी से बनाऊंगा तो फिर वो अच्छा नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें मैं डाल दूंगा दोस्तों रेड कलर, जो कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होगा, और येलो सेम है, बस इसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड करना है मुझे। तो ब्लैक दोस्तों पीडी टिंट आता है, बट दोस्तों मेरे पास है नहीं, तो उसके जगह पे मैं दोस्तों इसका यूज़ करूँगा। ये ब्लैक पेंट है डेकोरा ब्रांड का, इससे दोस्तों हम लोग राइटिंग वगैरह करते हैं। ये दोस्तों एपेक्स से कम रेट का आता है, आप देख सकते हो 349 लिखा हुआ है, इसमें भी डिस्काउंट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए इसका ब्लैक कलर जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, आप देख रहे होंगे ये भरा हुआ है, ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है इसका। तो मैं इसे दोस्तों ब्रश से थोड़ा सा लूँगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्रश पे मैंने थोड़ा सा लगा दिया है, बस इस पर थोड़ा सा मैं मिला दूंगा। तो ये कलर दोस्तों गोल्डन ब्राउन में इसे बना रहा हूँ, तो स्किन पे जहाँ जहाँ पे दोस्तों गोल्डन ब्राउन का यूज होगा वहाँ पे मैं इसे ऐड करूँगा। तो इसमें थोड़ा सा मुझे और रेड देना होगा, ब्लैक भी हल्का सा ऐड करना होगा, तो यहाँ पर मैं रेड ऐड कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कौन सा कलर ये बनता है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे येलो का थोड़ा सा ज़रूरत है, तो येलो भी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो ये मैंने डाल दिया, तो आप देख रहे होंगे
कि ये कलर जो है चेंज होता जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे शानदार सा कलर ये बन चुका है। तो इसमें थोड़ा सा मैं फिर से ब्लैक जो है ऐड कर दूंगा, इतना सा। आप देख रहे होंगे ब्रश पे मैंने थोड़ा सा लगा दिया है, बस इसी पे घुमा दूंगा दोस्तों। तो ये गोल्डन ब्राउन तो नहीं है दोस्तों, बट हल्का सा स्किनी कलर में आ गया है। बट दोस्तों इसमें काम जो है चल जाएगा। इसमें दोस्तों स्किन के अकॉर्डिंग मैं मतलब ऐड करता जाऊँगा, वैसे ही आपको भी दोस्तों थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। ये आप इसे बर्न सियाना कहिए या फिर गोल्डन ब्राउन कहिए, ये हल्का सा स्किन टोन पे ही है। बस ये देखिए दो कलर मैंने बना दिया है। बस यही चीज़ दोस्तों ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, लाइट टोन एक डार्क टोन। आपको याद रहे दोस्तों ये कलर लगा है हल्का सा गोल्डन ब्राउन बनाने में, ये लगा है वाइट सबसे ज़्यादा, और उसके बाद ये येलो और ये रेड। तो अगर आपके पास ऑरेंज होगा ना दोस्तों तो इसका ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑरेंज कलर में डायरेक्ट आप वाइट ऐड करके डायरेक्ट मतलब फेस का कलर बना सकते हैं और बर्न सियाना भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम पेंटिंग को, और इसे बड़ी ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हमेशा की तरह दोस्तों मेरी पेंटिंग इसी टाइप की होती है, और इससे भी अच्छी अच्छी पेंटिंग मैं आप लोगों को बना के दूंगा। तो फिलहाल इस पेंटिंग में दोस्तों सबसे पहले पूरा फेस को कलर कर देना है जो स्किन कलर आपने बनाया होगा। उसके बाद दोस्तों लाइट टोन यानी कि वाइट का एड वाइट आप ऐड करके थोड़ा सा उसे लाइट कर दें जहाँ जहाँ पे हाईलाइट देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बर्न सियाना को लेके जहाँ जहाँ पे डार्क टोन लग रहा है वहाँ पे आपको अप्लाई करते जाना है। तो सबसे पहले स्केच ही आपको ऐसा करना है, कहने का मतलब पहले से ही आप शेडिंग करके रखो स्केच में ही, तो उसमें है कि आपको लगेगा जहाँ पर भी आपको डार्क देना है वहाँ पर आप डार्क दे सकते हो। तो जैसे मैं पहले से ही मैंने शेडिंग करके रखा है दोस्तों, मतलब एक पेंट से मैंने शेडिंग कर रखा था, वहाँ वहाँ पे मैंने डार्क देते जा रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों हाईलाइट वगैरह जहाँ भी देना है मुझे मैं देते जाऊँगा, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों हाईलाइट का तब मुझे देना ही पड़ेगा। अभी ये सूखने के बाद दोस्तों हल्का हो जाएगा, फिर से मुझे देना पड़ेगा। बस वाटर कलर में मतलब एपेक्स वाटर कलर में आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तब जाके ये अच्छा लगेगा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कितना शानदार ये जो है पेंट होते जा रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही पेंट करना है, मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। और ये वैसे भी दोस्तों ये पूरा कलरफुल पेंटिंग है, ऊपर में थोड़ा सा फोरहेड की साइड रेड टोन देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे फिलहाल तो मैं नीचे से ही स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, इसलिए आपको नीचे से ही देखना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ दोस्तों इसी तरह से आपको भी करना है। अगर कोई भी आप वाटर कलर की पेंटिंग जैसे एपेक्स वाटर कलर की पेंटिंग अगर आप बना रहे हो तो इसी तरह से बनाइएगा, तो बहुत जल्दी बनेगा। तो काफ़ी शानदार मतलब मज़ा भी आता है दोस्तों इस ऐसी पेंटिंग बनाना। तो इस तरह से दोस्तों आप काफ़ी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बना सकते हैं, बस जो टेक्निक है बस वो आपको आ जानी चाहिए। जैसे मैं करते जा रहा हूँ दोस्तों इसी तरह से आपको भी करते जाना है। मैं दोस्तों रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही करते जा रहा हूं, और दोस्तों मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना चाहता हूं इसीलिए थोड़ा सा मुझे टाइम भी लगता है। बट दोस्तों इस वाटर कलर वाली पेंटिंग पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी ब्लेंड भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों पेंटिंग बनाने में, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। और इसी तरह से दोस्तों मैं हर जगह जहाँ जहाँ पे डार्क टोन है मैं वहाँ पे डार्क देता जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये जो कलर है वो सूखने के बाद थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो इसीलिए दोस्तों उस पर अप्लाई करते जाना पड़ता है, कहने का मतलब लेयर बाय लेयर डालना पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे कितना शानदार लग रहा है। वैसे दोस्तों वाटर कलर कहने का मतलब एपेक्स वाटर कलर से जिसने भी पेंटिंग बनाई हो वो ज़रूर कमेंट करें और अपना फीडबैक दें, क्योंकि आपको कैसा लगता है, या फिर एनामेल आपको पसंद है या फिर वाटर कलर पसंद है। तो जो भी आप बोलिएगा दोस्तों अगले जो भी पेंटिंग आप जिस कलर से बोलिएगा मैं उसी कलर से आपको बना के दिखाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे कितना शानदार मतलब ये डार्क टोन जो है कितना शानदार लग रहा है। बस दोस्तों उसी में मैंने वही जो बर्न सियाना जो कलर मैंने बनाया था उसी में थोड़ा सा डार्क करते जा रहा हूँ, कहने का मतलब ब्लैक मैं ऐड कर रहा हूँ, कहीं पर लाइट ऐड कर रहा हूँ, बस इसी तरह से मैं दोस्तों बनाते जा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही कलर करते जाना है। देखिए जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे हाईलाइट देते जा रहा हूँ, आप जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क टोन में देते जा रहा हूँ। इसी तरह से दोस्तों मैं पूरा पेंटिंग को जो है कंप्लीट करूँगा। इस साइड पूरा लाइट है, कहने का मतलब येलो इस टाइप का कुछ है, तो वो दोस्तों मैं धीरे धीरे अचीव कर लूँगा। तो आप देख रहे होंगे इस तरह का मैंने अभी तक कलर किया है, कितना शानदार लग रहा है। और यहाँ आँखों में दोस्तों मुझे काफ़ी डिटेल देना है, तो वो दोस्तों अभी मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे तबीयत जो है मेरी काफ़ी ख़राब होती जा रही है ऐसा लग रहा है।
तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको पूरी पेंटिंग जो है कंप्लीट देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।